फैमिली कैसे हैं सब लोग। तो आज एक अनबॉक्सिंग और लेके आए हैं, बट हाँ मॉनिटर की है ये भी जो आता है हमारा असूस की तरफ से, असूस टफ गेमिंग की तरफ से। तो अभी तक तो हमने बुद्धि चला के देखा, एक बार खोला था बस, उसके बाद से हमने कहा वीडियो बनानी तो रखना पड़ेगा। तो ये है हमारा मॉडल VG259, थोड़ा महंगा सेगमेंट है ये बजट वालों के लिए, तो बिल्कुल भी मैं रिकमेंड भी नहीं करता कि लोग, ठीक है। और ये हाँ ये है, ये 24 इंच बोलते हैं, 24.5 इंच का है पूरा, ठीक है। वैसे इस पे भी लिखा हुआ है 25 इंचेस, बट एग्जैक्ट है 24.5 इंचेस। और हाँ ये आता है आपका 24,000 का। तो अगर ये लेना हो तो या तो कोई डील हो तब ले लेना, और वो भी अगर आप मैंडेटरी है, ये तो 15,000 वाले में काम चल जाएगा, ठीक है। बाकी तो इसमें हाँ इसकी फीचर इसमें काफ़ी ज़्यादा लिखे हुए हैं, जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कैमरामैन मेन मेन इसके हाईलाइट फीचर्स तो आपको यहीं पे लिखे हुए दिख जाएंगे, ठीक है। कि IPS है, जी सिंक है, स्पीकर इसमें भी है, इसके स्पीकर की क्वालिटी भी बड़ी ही ऐसी है, 24,000 वाली है या नहीं है, ठीक है। बाकी 144Hz है, 1 ms रिस्पॉन्स है, सबको पता है IPS 1 ms रिस्पॉन्स नहीं मिलता, ठीक है, 4 या 5 ms। हाँ एक ही चीज़ इसमें अच्छी है कि इसके अंदर टिल्ट मोड है, आप इसको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों पे कर सकते हैं। और इसका एक बड़ा भाई भी आता है जो कि 27 इंच का है, केबल क्या है, कौन सा पट्टा दे दिया, इसमें हमें मिल जाती है डिस्प्ले केबल, HDMI केबल, पावर अडेप्टर्स, और पावर अडेप्टर्स इसमें दोनों तीनों टाइप के मिल जाते हैं, ठीक है, इंडियन भी USB। तो इसमें कुछ ये नहीं अलग से वेरेंटी है, आप इसको कहीं भी लेके जाओ, कहीं भी लेके जाओ, तो आपको तीनों अडेप्टर साथ में मिलेंगे, तो आप किसी भी प्लग में इसे जा सकते हो, बाकी वो इंडिया में तो होगा ऑब्वियसली नॉर्मल वाला प्लग। निकालना कैसे इसे, बहुत ही खतरनाक हो रहा है भाई, ड्राइवर रखने की जरूरत नहीं है। अनबॉक्सिंग
इतनी जल्दी अनबॉक्सिंग कर दो। ये होता है फायदा पैसे ज़्यादा लगाने का ना, तो वैसे एक एक पार्ट जोड़ते रहो सब करते रहो, पैसे ज़्यादा लगाओ तो ये मिलता है। ये क्या यूनिट टीवी की तरह लगा के दिए? टीवी तो नहीं ऑर्डर कर दिया ना हमने? फाइव स्टार रेटिंग है भाई। तेरे को जरूरत है भाई? नहीं। हाँ तो बस इसमें एक ही है इसमें तो, और बाकी ये आपको जल्दी खाने इजीली आप डाउन कर दीजिए। इस चीज़ के 24,000 ले रहे हैं ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, बिल्ड क्वालिटी भी इसकी काफ़ी अच्छी है, पहले वाले दोनों मोटर से काफ़ी अच्छी है इसकी बिल्ड क्वालिटी ठीक है। और बाकी इसमें भी वही बैक में जॉयस्टिक है और 4 एक्स्ट्रा बटन्स हैं, बाकी बिल्ड क्वालिटी अच्छी है। इसको बाकी सेटअप करते हैं वापस अपने टेबल पे और फिर इसकी स्क्रीन क्वालिटी भी दिखाते हैं आपको। तो सेटअप कर दिया अब हमने। हाँ उसमें आपको एक चीज़ दिखाना है, इसमें जैसे बोले था ना इसमें जो इसके बेस है ना, आप उसका सीधे उधर स्विवल भी कर सकते हो, क्या कहते हैं उसे, रोटेट नहीं कहते, क्या कहते हैं उसे, स्वाइवल बोल लो, स्विवल बोल लो, अपने अकॉर्डिंग लगा देना, इधर उधर घुमा सकते हो ये ठीक है। तो इसमें ये देखो सी, तो उस टाइम आपको दिखाया नहीं था, तो ये अच्छी चीज़ है देखो कि बंदा वहाँ बैठा उसको वहाँ देखना चाहता है, कर लो ठीक है, देखो कितनी ईजिली हो रहा है। इसी चीज के पैसे हैं, समझो बात को, ऑन तो कर दो, कनेक्ट कर दिए, अब ऑन कर रहे हैं, कुछ और ऑन हो गया है, अब ये ऑन होगा तो इस पे शिफ्ट होगा क्योंकि हम लैपटॉप से कनेक्ट करते हैं। अरे बाबा, अरे ये कैसे कलर आ गए भाई, डिफेक्टिव पीस आ गया भाई, डिफेक्टिव पीस आ गया, डिफेक्ट नहीं है सही है। ये इसका एक कलर मोड है सर, मेरे को भी नहीं पता क्यों दिया है, बट इसके अंदर ये मोड है, ये बात मैंने देखा था तो उसमें देखने को पता है इसके मेरी ऐसा भी एक मोड है, तो इसका ये कुछ नाम है MOBA मोड करके ठीक है। तो और इसमें अब देखो इसमें अलग अलग आपको मोड दिखाते हैं, एक ये है SRG मोड जिसमें आप कुछ एडिटिंग कुछ कर नहीं सकते हो, ये जैसा दिख रहा है अभी ऐसा ही रहेगा। इसमें एक आपका FPS मोड आता है, RTS मोड आता है, थोड़ा कलर्स को एनहेंस कर देता है, एक आपका सिनेमा मोड आ गया, अब वैसे आपको वीडियोज़ देखनी है आराम से ईजिली देखिए, रेसिंग मोड आ गया, सीनरी मोड, ये सबसे ज़्यादा इसमें कलर ब्राइटनेस हर चीज़ एनहेंस करता है सीनरी मोड में, मैं कहता हूँ पर्सनली सीनरी मोड सबसे अच्छा लगा, इसको SRG भी लगता है पता नहीं क्यों। तो हम इस पर भी रख सकते हैं अभी के लिए, इस पर भी रख सकते हैं, इस पर रख लेते हैं अभी ठीक है। बाकी इसमें ब्लू लाइट फिल्टर है 4 लेवल तक, और ब्राइटनेस वगैरह आप कंट्रोल कर सकते हो, शार्पनेस हर चीज़ के, इसमें वॉल्यूम 100 पे है ऑलरेडी, तो वॉल्यूम भी आपको सुनाएंगे, डिस्प्ले पोर्ट से अपने कनेक्ट किया है इसको, सेटिंग्स बहुत है। क्या कर दिया मैंने, मोड चेंज कर दिया, इसको रखते हैं बड़ा कुछ भी कहिए इसकी बिल्ड क्वालिटी है, अगर वो 24,000 चार्ज कर रहे हैं तो फीचर्स भी दे रहे हैं ऑब्वियसली, बट इसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, और इसकी कितनी 99% SRG भी इसमें 100% है, 99% तो है ही, 99% इसके SRG भी कलर है, और ये IPS पैनल है। बाकी आपको एक हाँ इसकी हम वीडियो ज़रूर दिखा देते हैं, आप वैसे YouTube पे जाएंगे और कहाँ जाएंगे, और कुछ भी ऐसे प्ले भी नहीं कर सकते, ये भी दिक्कत है। तो हमें क्या डालना होता है,
NCS, obviously NCS. ये तो अभी गलत हो रहा है इसके साथ. हम पहले वाला पे करते हैं, अभी 3 वीक्स वाला लेटेस्ट है. सॉरी हमारे पास YouTube प्रीमियम नहीं है तो एड्स आती आती है. अभी इसकी वीडियो साउंड पे ना जाए, ये साउंड लैपटॉप में से आ रही है. साउंड शिफ्ट करनी है, ये हमने कर दी है BG259 पे. अब इसमें से साउंड आएगी और कुछ नहीं पता कैसी आएगी. इतनी तगड़ी साउंड आएगी कि आप हैरान हो जाएंगे. साउंड आ रही है आपको? नहीं आ रही? मेरे को आ रही है, मेरे को आ रही है. हाँ तो इसकी यही है साउंड. अब आपको आ रही है या नहीं आ रही मुझे कुछ नहीं पता, बट मेरे को आ रही है और इसकी इतनी ही. बाकी डिपेंड भी करता है कि कैसे म्यूजिक प्ले कर रहे हैं क्या है तो, बट इसकी इतनी. तो गेमिंग मॉनिटर में आप कभी इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट ना करें कि आपको इसे एकदम हाई साउंड मिलेगी, हैवी साउंड मिलेगी. तो वो नॉर्मल मॉनिटर्स में मिलती है. वर्क कंप्यूटर जैसे आपको पहले LG का मॉनिटर दिखाया था, उसके अंदर साउंड इससे 4 गुना थी. जितनी आगे लगी इससे 4 गुना, 4 के 5 गुना भी लगा सकते, क्योंकि उसके अंदर थे 5.5 वोल्ट के ड्यूल स्पीकर. इसके अंदर ऑलमोस्ट 2 वोल्ट के ड्यूल स्पीकर हैं, तो इतनी साउंड नहीं है. तो क्योंकि इनका मेन कंसर्न सारा गेमिंग के लिए होता है कि हम पैनल को कितना अच्छा बना सकते हैं, ठीक है. तो हम सारे ये ना अपना एम उसी पे रखते हैं, तो साउंड नहीं है. बस इन्होंने एक एडिड फीचर दे दिया कि हम एक्स्ट्रा एक फीचर इंक्लूड कर दें, क्योंकि सब दे रहे हैं इसलिए. क्लैरिटी तो आप देख सकते हो, ठीक है. क्लैरिटी के लिए तो अब ऐसा कुछ एकदम से समझ नहीं आ रहा कि वो कोई सी वीडियो चला दें. ये अभी हमारी कर तो हाई पे रखी है, बट ऑफ द ये फुल HD है, फुल HD डिस्प्ले ओनली. और इसमें एक मेन चीज़ बता दूँ, इसमें बैकलाइट ब्रीडिंग आपको बिल्कुल देखने को नहीं मिलेगी. आप इसे खोलिए, प्लग कीजिए और अपना गेम खेलिए, वीडियो चलाइए, जो मर्जी कीजिए, बट ब्लैक लाइट ब्रीडिंग आपको नहीं मिलेगी इसमें. ये काफ़ी अच्छी चीज़ लगी. अभी भी आप देखें कि ब्लैक कलर कितने सही आते हैं, वो हमारे कैमरे की क्वालिटी की वजह से हो सकता है. देखिए जब भी ब्लैक सेक्शन आ रहा है सी एकदम मस्त क्लियर. तो ब्लैक ब्रीडिंग की तो टेंशन इसमें लीजिए ही मत. तो वही मैं कह रहा था कि महंगा है, बट ये सारे इसमें फीचर्स भी हैं और क्वालिटी भी है, इसीलिए ही महंगा है थोड़ा सा. और तो इसको मतलब आप कंपेयर भी नहीं कर सकते 15,000 वाले उनसे तो काफ़ी बेटर ही है. इनका सेक्शन ही अलग है पूरा एक तरीके से. और जैसे आप बताए कि इसमें 27 इंचेस भी आता है, तो वो भी ले सकते हैं. बाकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अमेज़ॉन का, वहाँ पर जाके चेक कर सकते हैं. मैं ऐसा करूँगा दोनों के लिंक डाल दूँगा, 27 इंचेस का भी और 24.5 इंचेस का भी, ठीक है. तो आज के लिए यही थी, बाकी अब इसको थोड़े दिन यूज़ करते हैं, फिर बाकी कुछ हुआ तो एक नेक्स्ट वीडियो और बना लेंगे. ऐसे ही कुछ एक नया अगर प्रोडक्ट बना तो उसके साथ इसका रिव्यू डाल देंगे अलग से, हम क्या ये वीडियो बनाए, कौन सा हमारे ऐसे एकदम ज़्यादा कुछ होता है. तो दूसरे प्रोडक्ट के साथ ही इसका आगे का रिव्यू भी डाल देंगे जब इसको यूज़ करने के बाद, है ना. ये ज़्यादा बेटर रहेगा. तो बाकी ठीक है, इसके व्यू एंगल तो ऑसम है, व्यू एंगल इसके एकदम बढ़िया है. मैं अगर यहाँ से देख रहा हूँ या वहाँ से देखें आप, सेम एकदम. तो जैसे कहते हैं कि वही 178 डिग्री के व्यू एंगल वो है एक्चुअली, आप वो देख सकते हो. तो बस आज के लिए बाकी इतना ही था, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. और बाकी अगर आप कुछ खरीदते हैं थोड़ा हमें भी दिखाइए, ठीक है. हमें प्रोडक्ट की वीडियो बनाने दीजिए, आप हमसे और प्रोडक्ट ही खरीदने जा रहे हैं.
और लॉकडाउन की वजह से कोई लॉकडाउन क्या मतलब घर बैठने की वजह से कोई जल्दी से मिलता भी नहीं है, तो आपस में ही काम चलाना पड़ रहा है हमें दो तीन जगह से। तो ठीक है, बाकी सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।